अरे देखो देहरादून की लड़कियां तो देखो एक 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 तरफा अगर देखी जाए तो पटोला कही जाएंगे, पटोला ओके। और ठीक है हाँ। और अगर हम अपने वैसे देखे हाँ। तो माल लगती है भाई। देहरादून की लड़कियां कैसी होती हैं यहाँ की? एकदम फंटास्टिक। कुछ होती हैं बहुत ज्यादा मतलब टिपिकल एकदम ओवर ड्रामेटिक टाइप्स बोलते हैं ना कि ऐसे टाइप की कैसे टाइप्स। तो बंदियां जब घर से बाहर निकलती है ना तो एक मतलब हवा सी चली जाती है। क्या हवा सी लगने लग जाती है? मेरे को हवा सी लग गई। देहरादून की लड़कियां कैसी होती है? मैं भी देहरादून से हूँ, बुरा तो बोल नहीं सकती। अच्छा आपके साथ वाले कैसे हैं फिर? वो भी मतलब ऐसे हैं, फेसबुक में बात करते हैं। अच्छा अच्छा मान लिया तो अच्छा। मिलने मिलने चले जाते हैं, बाकी मैं तो नहीं करती ऐसा, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। देहरादून की लड़कियाँ वैसे तो ठीक है पर फैशन बहुत बहुत एक्स्ट्रा करती है, वो और दिखता है। दिल्ली का फैशन अच्छा है, देहरादून का फैशन अच्छा है? देहरादून देहरादून का देहरादून। अच्छा कभी आपने ऑनलाइन डेटिंग की है कभी किसी लड़की से? फेसबुक पे बात की है? हाँ की है। फिर मिलने गए हो? मिलने भी गए हैं। फिर बात बात आगे भी बढ़ी है? हाँ बढ़ी है। गर्लफ्रेंड भी बनी है? फिर छोड़ी है। छोड़ी भी है। B612 उसे तो सेल्फी ऐसे ऐसे करके और मुंह ऐसे ऐसे बनाती है भाई, पूछ मत। हम भी यूज करते हैं। हाँ ऐसा होता है कि मतलब एक्चुअल में देखो तो उनसे काला कोई नहीं और फोटो में देखो तो उनसे गोरा कोई नहीं। अच्छा आपने यूज किया कभी? हाँ किया, क्यों नहीं किया। हमने देहरादून की लड़कियों का पैसा लूटा, लड़कियों ने कभी हमारा पैसा नहीं लूटा। सच्ची बात है ये, गजब। आप पता है स्टड लौंडे हो। अच्छा आपने कभी ऑनलाइन डेटिंग की है? कैसे रही? कैसे बहुत बेकार, बहुत बेकार। मिली कैसे थी? मैं मुझे मेरे दोस्तों ने बोला था कि टिंडर पे करना हाँ। तो एक्चुअली कुछ आया ही नहीं है। मैं लाइक करता रहता था सामने से कुछ कभी आया ही नहीं कि सामने अच्छा। से कभी और अच्छा। टिंडर वाले भी बड़े चालाक होते हैं हाँ। Somebody likes you on Tinder, और जब मैं देखूं तो कोई था रहता ही नहीं था। फेसबुक से भी है, व्हाट्सएप से भी है, इंस्टा से भी है, ट्विटर से भी है, और कौन सी साइट हो सोशल? इमो रह गया। Somebody मतलब मैसेज रिक्वेस्ट में काफी ऐसे होते हैं। एक बंदा मुझे मिला था वेरी स्ट्रेंज, उसने मेरे लिए गाना लिखा था, आई डोंट नो व्हाई। क्या कौन सा गाना था? मैं आपकी इस पिक्चर से इंस्पायर, आई कैन नॉट रीड दैट होल, पूरा बहुत लंबा गाना था। एक स्टैंजो में कौन सा गाना था? कुछ ऐसे था, आपकी मुस्कुराहट टाइप्स, शायरी टाइप समथिंग, शायरी वो गाना ही था वो एग्जैक्टली। और उसने मेरी पिक भेजी, बोलते आपकी इस पिक से मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ, मैं आपके लिए और गाने लिखूंगा। हमारी दोस्ती ऐसी है कसम से मैं बता नहीं सकता, हम तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन लौंडी आ गई थी बीच में, लेकिन सुनो मेरी बात, आ गई थी भाई, देख जो बात सच है, लड़की एक बीच में आ गई थी हल्की हल्की, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कि हम दोनों के बीच, उसके नहीं, हम दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई थी, झगड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी हम दोनों दोस्ती के लिए भाई कुछ भी कर सकता है। ये कहने के बाद दोस्ती हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बस ये है भाई। लेकिन सालो उस टाइम कहाँ चली गई थी दोस्ती? जब लड़की आ गई थी, कोई बात नहीं भाई, होता है, हर बार होता है भाई। मैंने उस टाइम तो यहाँ नाम लिख के जा रहे थे हाँ पूरे। अच्छा ये यार मिटा दिए दोस्ती के लिए, सब कुछ मिटा दिए। चलो अच्छा, अच्छा मैंने सुना है कि तीन दो लोगों की दोस्ती बहुत गहरी होती है। हम तीन है, हम एग्री करते हैं इस चीज को, हमारे साथ है जब ही हम बोल सकते हैं। अच्छा कोई यूट्यूबर देखा जो तीनों हमेशा देखे माइंड से बनाते तीन लोग होते हैं? हां Round2hell, लेकिन हमारे फेवरेट वही है Round2hell, एक तरफा बंदे हैं वो तो है ही। अच्छा यहाँ की लड़कियाँ इतना शो ऑफ क्यों करती है? आप दिल्ली गए हो? हाँ यहाँ की लड़कियाँ। एज एन फ्रेंड मिला हूँ, काफी सारी लड़कियों से मिला हूँ, मतलब एज एन फ्रेंड, मतलब ऐसा नहीं है कि डेट पे। उनको कभी मम्मी की बहू बनाने की सोचा है कभी? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा कि मैंने कहा वाह यार तो बहुत क्यूट है बंदी दिखने में। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला मैंने कहा ओह माय गॉड ये तो धोखा हो गया। हमारी फ्रेंड भी एक कौन कौन है? ये वाली फ्रेंड नहीं, एक गांव की फ्रेंड है। अच्छा क्या करती हूँ मैं? अच्छा कभी ऐसे लगे नहीं, ब्यूटी प्लस तो करते हैं हम भी, ब्यूटी प्लस करते हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ यार सामने से कोई फोटो में कुछ और लगती है, सामने से कुछ और होती है? बहुत बार हुआ होता रहता है, ये होता रहता है, यही होता है हर बार। आप भी तो बताओ अपना एक्सपीरियंस कुछ। अरे यार मैं सीधा साधा लौंडा यार, कहां मैं कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही पूछना था।